हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रेंडम एरर बोथ ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ मेजरमेंट एरर्स अगर आपको सिस्टमैटिक एरर और रेंडम एरर के विषय में और कुछ जानना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग आर टाइम सो फर्स्ट डिफरेंस जो है हमारा रेंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में वो ये है कि रेंडम एरर जो है हमारा वो अनप्रडिक्टेबल होता है अनप्रडिक्टेबल मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है या तो वो ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल डेटा से नॉर्मल रिकॉर्डिंग से या फिर लो भी हो सकता है और ये किसी भी अननोन सोर्स की वजह से हमारे डेटा में एरर आती है अननोन सोर्स मींस पहले से आपको नहीं मालूम है कोई भी अज्ञात स्रोत होता है जिसके कारण हमारे डेटा के रिकॉर्डिंग में कोई ट्रबल आया होता है जबकि सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो इनबिल्ट एरर है हमारे एपरेटस का जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं हमने वेइंग स्केल लिया जिस पर हम बच्चों का वेट मेजर कर रहे हैं तो अगर हमारा ज़ीरो जो सेट हमने किया है वो गलती से टेन पर सेट हो गया है तो हर बच्चे के वेट में टेन के का डिफरेंस आएगा दैट इज़ सिस्टमेटिक एरर और ये प्रेडिक्टेबल है क्योंकि जो एक के में डिफरेंस आया है वो ही अगर हमने हंड्रेड स्टूडेंट्स का वेट मेजर किया है तो वो हंड्रेड के हंड्रेड स्टूडेंट्स में टेन के का वेट डिफरेंस आएगा लेकिन रेंडम एरर जो है वो इस तरह का एरर है जो अचानक से आ जाता है जैसे हम लोग जिस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वेट को मेजर करके लिख रहे हैं उस टाइम हमारे देखने में कहीं कोई गलती हो गई है और उसके कारण हमारा जो वेट है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आया है और वो कहीं ऊपर या नीचे की तरफ वेरी कर गया है तो ये जो एरर होती है ये रेंडम एरर होती है रेंडम एरर इज़ अनप्रडिक्टेबल एंड ड्यू टू अननोन सोर्सेज जबकि सिस्टमेटिक एरर जो है वो प्रेडिक्टेबल है एंड ज़्यादातर इनबिल्ट प्रॉब्लम होती है जब एप्रेटस में उसकी वजह से होता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेंडम एरर अकर्स इन बोथ द डायरेक्शंस जैसे मैंने अभी बात की कि रेंडम एरर क्योंकि पहले से नहीं पता है तो हो सकता है कि जो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू है ट्रू वैल्यू जो है उससे हायर हो या लोअर साइड पर हो लेकिन सिस्टमेटिक एरर जो है वो किसी भी एक डायरेक्शन में होगा या तो सारे डेटा हमारा हायर साइड पर मूव करेगा या फिर लोअर साइड पर मूव करेगा ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बच्चों का हायर पर मूव कर जाए और कुछ बच्चों का लोअर पर मूव कर जाए नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टमेटिक एरर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी जैसे हमने अभी बात की कि हमारा वेंग स्केल जो है उसमें टेन के का डिफरेंस है तो वो टेन के आपके सभी सब सब्जेक्ट्स जितने भी बच्चे हैं सभी में टेन के ही रहने वाला है डिफरेंस क्योंकि वो इनबिल्ट एपरेटस का प्रॉब्लम है जब हमारा एपरेटस जो बना है उसी में आ, कहीं पर हमारे ज़ीरो सेटिंग करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई है या एपरेटस में ही कहीं पर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल से वेरी कर रहा है जबकि रेंडम एरर में ये जो मैग्नीट्यूड है ये वेरिएबल होता है मतलब इसकी मात्रा बढ़ती घटती रहती है Now next is the zero error and the incorrect calibration of apparatus cause this systematic error. Zero error जैसे हमने बात की कि हमने जब weighing scale लिया तो उसमें हमने जो zero set किया वो by mistake हमसे टेन पर सेट हो गया जिसके कारण हमारा data जो है वो vary कर रहा है लेकिन random error क्या है This is by incorrectly using the apparatus. ये हमारे apparatus को जब हम use कर रहे हैं उसको हमने properly use नहीं किया है कहीं पर कोई ट्रबल हो गई है या तो उसकी प्लेसिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है या जहाँ से हम उस आ, के डेटा को देख रहे हैं सपोज जो स्कोर हम देख रहे हैं या जो रीडिंग हम ले रहे हैं उस रीडिंग को जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसमें कहीं पर कोई वेरिएशन आ जाता है तो रेंडम एरर आ जाती है नाउ नेक्स्ट इज द रेंडम एरर रिड्यूस बाय टेकिंग द टू और मोर रीडिंग्स ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट रेंडम एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं जब एक ही एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को हम दो या तीन बार ले लेते हैं तो उसमें परफेक्शन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जबकि सिस्टमैटिक एरर जो है उसको एपरेटस जब हम बना रहे हैं उसको केयरफुली डिज़ाइन करें और उसका ऑफसेट ज़ीरो जो हम सेटिंग कर रहे हैं वो हम प्रॉपर करें तो हमारा सिस्टमेटिक एरर रिड्यूस हो सकता है नाउ नेक्स्ट इज द रेंडम एरर इज़ नॉन रिप्रोड्यूसेबल वाइल्ड द सिस्टमैटिक एरर इज रिप्रोड्यूसेबल मीन्स जब हमने रेंडम एरर हमारे डेटा में आती है तो हम उसको वापस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम ये चाहें कि हमारा सेम एरर दोबारा हर रीडिंग में आए तो वो ऐसा नहीं होगा जबकि सिस्टमेटिक एरर के केस में हमारा जो एरर है वो रिप्रोड्यूसेबल है क्योंकि वो एपरेटस का इनबिल्ट एरर है वो रिमूव नहीं हुआ है उसके कारण हमारा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अगर हम आगे भी कुछ बच्चों को वेट मेजर करते हैं तो उसमें भी हमारा डेटा उतना ही वेरी करेगा नाउ टू कंक्लूड वी कैन से दैट रेंडम एरर जो है वो किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसिस के कारण होती है जो सराउंडिंग में है सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस मीन्स जैसे हमारा टेम्परेचर है प्रेशर है उसकी वजह से भी हमारे मेजरमेंट में कहीं कोई एरर आ रही है या उसकी वजह से हमने कहीं पर कोई रॉन्ग रीडिंग ले ली है तो वो हमारा रेंडम एरर कहलाता है जबकि सिस्टमेटिक एरर जो है वो मकैनिकल स्ट्रक्चर ऑफ अप्रेटर्स की वजह से आता है एंड कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ बोथ द एरर्स इज़ इम्पॉसिबल अगर हम ये चाहें कि हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली एरर फ्री हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है थोड़ी बहुत एरर्स उसमें आती ही हैं क्योंकि रेंडम एरर्स आना बहुत स्वाभाविक है अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेज होते हैं कहीं से भी आ जाती है अननोन होती है और सिस्टमेटिक एरर भी हमारे इनबिल्ट जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हमारी थोड़ी बहुत रिटेन करती है इसलिए हम कम्प्लीटली इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं थोड़ी बहुत ये बनी रहती हैं लेकिन हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू